Hi, so welcome to our new home gym and आज I'm going to do a full body workout. तो सबसे पहले मैं start करूंगा bench press के साथ. इसको रखेंगे यहाँ पे. Yes. Whenever you're starting after a long, long break, it does not matter कि आप कितना वेट उठाते थे. All that matters कि आपने ब्रेक लिया है और अभी आपकी बॉडी रेडी नहीं है उतना वेट हैंडल करने के लिए. अगर आप सही में एक सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, तो आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है. गो स्लोली. Pull-ups, two sets. Let's do it. Let's say अगर आप pull-ups लगा रहे हैं, I want you कि आप अपनी लातों को सामने रखें, and this way you will also engage your core, and when you can engage your core, you will have more balance while doing this exercise. And you'll be able to perform more reps. Biceps ke liye, I will be doing inclined dumbbell curls. For the triceps, I will be doing the band push downs. Yes. Now we'll do the tricep push down. Our shoulders ke liye I will be doing dumbbell shoulder press. Chalo. We are done for the day. Completed our workout. I'll just go take a shower and then be ready for the day. Hi, how are you? Good to see you. गिम्बल है, अगर हम माइक इसके ऊपर लगाते हैं तो ना गिम्बल बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती. तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, अभी बताता हूँ. तो ये भाई साहब हैं एक गिम्बल. तो इनका काम है कैमरा को स्टेबलाइज करना. तो जो भी आप स्टेबलाइज वीडियोस देखते हैं किसी के भी चैनल पर, वो इसकी वजह से होता है. जब हम इस कैमरे को इस माइक के बिना यूज करते हैं तब तो ये स्टेबलाइजर और ये गिम्बल सही काम करता है, लेकिन जैसे ही हम इस रिसीवर को इस कैमरे के ऊपर लगाते हैं तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि गिम्बल की बैटरी सिर्फ 20 to 30 मिनट्स चलती है
उसके बाद ये स्टेबलाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत देने लग जाता है और इसकी मोटर जो है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढा, टेप। इस तरह हमने इसको टेप के साथ गिम्बल के पीछे चिपका दिया। तो अब हमने क्या सोचा कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जिससे हमारी ये दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा, ट्रांस माउंट मिनी ड्यूअल ग्रिप बाय ज्यून, ये और ये। तो इस आर्म को हम एंड देन इसको हम गिम्बल के नीचे ज्वाइन करेंगे। तो अब ये भाई साहब जिनको हमने चिपकाया हुआ है यहां से उतारते हैं और इसके नीचे हम लगाएंगे ये, और ये है एक यूनिवर्सल स्क्रू। और यूनिवर्सल स्क्रू लगाने के बाद इसे हम यहां पर अटैच कर देंगे। तो ये हो गई हमारी दिक्कत सॉल्व। अब हमारा कैमरा भी बढ़िया चलता है, गिम्बल में भी कोई दिक्कत नहीं आती, बैटरी लाइफ भी पूरी है और जो हमें शॉटगन माइक चाहिए होगा उसे हम यहां पर लगा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। Hi, Mr. Ajay. Hi. How are you? I'm good. क्या बना रहे हैं आज आप? बना रहे हैं मीठा पेठा। इसमें हमने क्या क्या डाला है? इसमें अभी डाला है हमने नमक, हाँ जी, स्वाद अनुसार, ओके, और गरम मसाला, हाँ जी, धनिया पाउडर, हाँ जी, और काली मिर्च अभी हम डाल रहे हैं। तो सब कुछ हम स्वाद अनुसार डालेंगे? यस, बिल्कुल डालेंगे थोड़ा सा हम हल्दी। मुझे मिर्ची कम डालिएगा, मुझे मिर्ची नहीं डाल। नहीं, हम मिर्ची से डाल रहे हैं कि ताकि शक्कर डालेंगे जब अभी समझ हो, ताकि बैलेंस बना रहे। ये हमने ओरिगैनो डाला, बना बना फुट सम शक्कर जैगरी भी पाले। डिलीशियस। नेक्स्ट वन मिनट। तो खाना बिल्कुल तैयार है। ये हैं सौते वेजिटेबल्स, ज़ुकीनी एंड मशरूम्स, और ये है मीठा पेठा दाल, और ये चपाती, एंड इसमें भी सेम पेठा दाल और चपाती। सो दिस विल बी आवर लंच फॉर टुडे। India. और ये यहाँ पर जीतते हुए मैं देखा, मैं गूगल पे देखा, मुझे ये पसंद आया, मुझे ये चाहिए। डन, अभी आई विल टेक अ शावर एंड लेट्स गेट टू वर्क।